नमस्ते मित्रों, हम अक्सर एलियंस के बारे में जानना चाहते हैं कि वो लोग कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, और इसके लिए हम बहुत सी चीजें पढ़ते, सुनते और देखते हैं, लेकिन हम अपने ही शास्त्रों को उठा करके कभी नहीं देखते हैं, जहाँ पर ये बताया गया है कि पृथ्वी के अलावा और कौन से लोग हैं और वहाँ पे कैसे कैसे जीव रहते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ पृथ्वी से नीचे के लोगों के बारे में, जिनमें प्रथम है अतल लोक। इस अतल लोक के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ के स्वामी जो है, वो बलासुर नाम के असुर है। ये बलासुर वो है जिन्होंने 96 मायाओं की रचना करी है, अर्थात 96 प्रकार के इल्यूजन्स इन बलासुर ने खुद से बनाए हैं। जहाँ पर एक पेय मिलता है जिसको हाटक कहा जाता है। ये पुराणों के अंदर वर्णन है कि अगर इस हाटक पेय को कोई व्यक्ति पी लेता है तो वो खुद को ईश्वर मानने लगता है और सबसे बलवान समझता है। ऐसे ही यहाँ पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे प्रकार के भोग भी मिलते हैं, क्योंकि ये भी भौतिक संसार के अंदर आने वाले ही लोक हैं। यहाँ पर 3 प्रकार की स्त्रियाँ होती है जो केवल इसी लोक में पाई जाती है। पहली स्वैरिणी, जो स्ववर्ण के ही व्यक्ति के साथ कोई संबंध बनाती है। दूसरी कामिनी, जो किसी से भी प्रेम कर बैठती है। और तीसरी पुंशली, जो बहुत ही चंचल प्रकृति की होती है। तो इस लोक के ये कुछ मुख्य वर्णन है जो सूक्ष्म रूप से पुराणों के अंदर बताए गए हैं। अतल लोक से नीचे के लोकों के बारे में, अतल लोक के नीचे वितल लोक आता है। इस वितल लोक के स्वामी भगवान हाटकेश्वर महादेव है और वो देवी पार्वती के साथ इस लोक में निवास करते हैं। उन दोनों के शरीरों से उत्पन्न होने वाले तेज के कारण यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम हाटकी है। यहाँ पर एक विशेष वायु होती है जिस वायु से यहाँ पर इस लोक के अंदर एक अग्नि प्रज्वलित होती है। उस अग्नि में से स्वर्ण जैसी धातु निकलती है जिसके बने आभूषण यहाँ के लोग पहनते भी है, ऐसा वर्णन पुराणों के अंदर है। इस वितल लोक से नीचे सुतल लोक है, जिस सुतल लोक के स्वामी महाराज बलि चक्रवर्ती है। ये वही बलि चक्रवर्ती है जिनसे भगवान वामन ने भूमि मांगी थी और बलि महाराज ने उन्हें अपना सिर तक दे दिया था। इसी से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें सुतल लोक दिया। इस सुतल लोक का ऐश्वर्य ऐसा कहा गया है कि इंद्र के स्वर्ग से भी अधिक सुंदरता और ऐश्वर्य इस सुतल लोक में व्याप्त है, क्योंकि ये भगवान ने स्वयं अपने निज भक्त को दिया था। बलि चक्रवर्ती एक मनवंतर पर इस सुतल लोक पर शासन करने के बाद भगवान के मूल वैकुंठ में जाएंगे, जहां पर वो भगवान के नित्य पार्षद भी बनेंगे। इसीलिए ये सुतल लोक बहुत श्रेष्ठ कहा गया है, जहां पर बलि चक्रवर्ती आज भी शासन करते हैं।